2023 वर्ल्ड कप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल्स में 70 रनों से करारी हार दी है। इस मैच के हीरो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी रहे, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से न्यूजीलैंड को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। श्रेयस अय्यर ने इस मैच में 70 गेंदों पर शानदार 105 रनों की शतकीय पारी खेली। मोहम्मद शमी ने इस मैच में अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने स्पेल में मात्र 57 रन देकर 7 विकेट अपने नाम किए और इसी के साथ कई रिकॉर्ड तोड़कर क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। शमी ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को ODI वर्ल्ड कप में पीछे छोड़ सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। यह मुकाम हासिल करने में शमी को मात्र 17 मैचेस लगे। इसके अलावा शमी अब ODI वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करवा चुके हैं। इसमें भी इन्होंने मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि 4 बार हासिल की है। स्टार्क के नाम 5 विकेट हॉल 3 बार दर्ज है। साथ ही शमी भारत की ओर से वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ स्पेल डालने वाले बॉलर भी बन गए हैं। उन्होंने आशीष नेहरा के 6-23 को पीछे छोड़ इस मैच में 7-57 का शानदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद बात करें विराट कोहली की, तो उन्होंने इस मैच में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। कोहली ने 2023 विश्व कप सेमीफाइनल्स में अपना 8वां 50 प्लस स्कोर बनाते ही तेंदुलकर के एक विश्व कप एडिशन में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। कोहली ने तेंदुलकर के 7 अर्धशतक को पीछे छोड़ इस वर्ल्ड कप में 8 अर्धशतक बना लिए हैं। इसके बाद 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली सिंगल लेकर ODI वर्ल्ड कप इतिहास के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। किंग कोहली सचिन तेंदुलकर के 2003 वर्ल्ड कप एडिशन में 673 रनों को पीछे छोड़ वर्ल्ड कप 2023 में अब तक 711 रन बना चुके हैं। इसके बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो विराट कोहली ने तोड़ा है वो है सचिन तेंदुलकर का 49 ODI शतक का रिकॉर्ड। कोहली ने इस मैच में तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए अपना शतक नंबर 50 लगाया। ODI क्रिकेट के इतिहास में अब किसी भी खिलाड़ी ने कोहली से ज्यादा शतक नहीं लगाए हैं। तेंदुलकर ने अपनी 451वीं ODI पारी में 49 बार शतक लगाया था, जबकि किंग कोहली को यह मुकाम हासिल करने में 279 ODI पारी लगी। ऐसी क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिक न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।